हेलो फ्रेंड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी मिस्ट्री शॉपिंग। सबसे पहले हम देखते हैं मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है। देखो, जो मिस्ट्री शॉपिंग है ये मार्केटिंग रिसर्च का एक टेक्टिकल टूल है, शॉर्ट टर्म टूल है। ये मार्केटिंग रिसर्च का हम कह सकते हैं कज़न है, मार्केटिंग रिसर्च नहीं है। मिस्ट्री शॉपिंग के द्वारा क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि जो है मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किस तरह से जो कस्टमर हैं उनको अटेंड किया जाता है, किस तरह से कस्टमर को वो प्रोडक्ट वगैरह जो है उसके बारे में बताया जाता है ताकि उसको और बेटर बनाया जा सके। मिस्ट्री शॉपिंग जो है डैट इज़ दी टेक्टिकल टूल ऑफ मार्केटिंग सर्च। ये एक मार्केटिंग सर्च का टेक्टिकल टूल है, ये मार्केटिंग सर्च नहीं होती। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रिसर्च की जाती है। यहाँ पे देखा जाता है कि मिस्ट्री शॉपिंग के अंदर क्या है कि जो क्लाइंट मांगता है क्या उसको वही दिया जाता है, क्या उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसके अंदर क्या है कि जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे रिटेल सर्विसेज की क्वालिटी को मेयर किया जाता है। और डिस्गाइज्ड मैनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कस्टमर बन के जाते हैं और वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और देखो, जो मिस्ट्री शॉपिंग के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे देखा जाता है कि हम किस तरह से और जो है बेटर बना सकते हैं। मिस्ट्री शॉपिंग का ये मतलब नहीं होता कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के ऊपर चेक रखा जाता है। ये इसलिए की जाती है ताकि और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और बेटर बनाया जा सके। और यहाँ पे जो ट्रेन शॉपर्स होते हैं वो मतलब अनोनीमसली जाते हैं, वो देखते हैं कि कस्टमर को सर्विसेज मिलती हैं या नहीं मिलती है, एम्प्लॉय जो है उनको प्रॉपरली समझाते हैं या नहीं समझाते, और जो प्रोडक्ट उनको दिखाया जाता है उसकी क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पे जो ट्रेन शॉपर्स होते हैं वो डिस्गाइज मैनर के अंदर क्या है कि कस्टमर बन के जाते हैं और सारी चीज़ों को जो है वो असेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिस्ट्री शॉपिंग है इसका प्लानिंग साइकिल क्या होता है। देखो, यहाँ पे मिस्ट्री शॉपिंग के द्वारा वो देखते हैं कि कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो यहाँ पे सर्विस स्टैंडर्ड को राइट करते हैं, और नेचुरली जो रिज़ल्ट मिलते हैं उनको वो बेंचमार्किंग जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है कि न्यू टारगेट जो है सेट किए जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को मेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मिस्ट्री शॉपिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड शॉपर्स होते हैं वो कस्टमर बन के जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जब वो किसी स्टोर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, और कितना टाइम जो है एम्प्लॉयज़ को लगता है कि जब वो कस्टमर को रिकॉग्नाइज करता है, कस्टमर को वेलकम करता है, और वो एम्प्लॉय के नेम्स वगैरह भी जो है ट्रेंड शॉपर जो है वो देखता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो एम्प्लॉय उनको कस्टमर के जब वो कस्टमर बन के जाते हैं तो किस तरह से उनको वेलकम करते हैं, क्या वो फ्रेंडली होता है या नहीं होता, किस तरह से वो कस्टमर को अटेंड करते हैं। और उसी तरह देखो, जो शॉपर होता है वो सूटेबल प्रोडक्ट जो है मांगता है तो किस तरह से उसको अटेंड करते हैं। कई बार शॉपर जो होता है ये भी कहता है कि मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखाइए। तो मतलब यहाँ पे वो देखते हैं कि एम्प्लॉय जो है जो एक पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या उसके मुताबिक वो उनको प्रोडक्ट दिखाता है, उसके फीचर दिखाता है। और वहाँ पे वो ये भी चेक करते हैं कि जब उसने कोई प्रोडक्ट का नाम लिया, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, तो एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट्स जो है उनको शो किए। और उस तरह क्या है कि देखो, किस तरह से एम्प्लॉय ने शॉपर के साथ किस तरह से रिलेशन बिल्ड किया, किस तरह से उसने एम्प्लॉय को कहा कि आप दोबारा आइए। और उसी तरह वो देखते हैं कि जो स्टोर है वहाँ पे क्लीनलीनेस कितना है, और सारी चीज़ों को वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। और उस तरह वो देखते हैं कि जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उनके साथ जो सर्विस का पैटर्न है उसके साथ मैच करता है या नहीं करता। अब हम देखते हैं कि जो मिस्ट्री शॉपिंग है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि देखो, जो मिस्ट्री शॉपिंग है जहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन शॉपर जो है डिस्गाइज मैनर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। और ये जो मिस्ट्री शॉपिंग है मार्केट सर्च को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि हम देख सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं जो मर्चेंडाइज है कि वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। और उसी तरह हम देख सकते हैं कि जो ट्रेन शॉपर्स हैं वो देखते हैं किस तरह से और बेटर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, और कस्टमर को और किस तरह से बेटर जो है अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये मिस्ट्री शॉपिंग के जो हैं बेनिफिट।